हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज हमारा जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर वन, ये इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देखिए यहाँ पर, ये गेस्ट पेपर वन है। इसमें रिड्यूस सिलेबस के साथ है, मतलब जो आपका रिड्यूस हुआ है उसको यहाँ पर स्किप करके, ओमिट करके बाकी पेपर बनाया गया है। तो ये मैथमेटिक फर्स्ट पेपर, फर्स्ट का ये पेपर है। अब ये पेपर की तरफ ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड करना है और उसको रीड करने के बाद ही आपको ये पेपर जो है वो सॉल्व करना है। तो इस बेस्ट वे टू सॉल्व द पेपर, नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है और उसको आपको वहां पर लिखना है। ओनली आप ऑप्शन नंबर और नंबर लिखेंगे तो भी इनफ आंसर के लिए वो इनफ हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। तो ये पूरा पेपर है, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर एक वीडियो में सॉल्व नहीं हो सकता है, दैट मींस हमको यहां पर ओनली क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर एंड देन क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर वन यहां पर सॉल्व करते हैं। ये आपका पूरा पेपर है, थोड़ा पेपर आप देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन नंबर फोर है जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहता है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट, इसमें देखिए, फॉर एन गिवन एपी टी सेवन इज इक्वल टू फोर, डी इज इक्वल टू माइनस फोर, दैट मींस कॉमन डिफरेंस एंड देन फाइंड द ए, यानी फर्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब आपके पास यहां पर देखिए टी सेवन गिवन है, डी गिवन है, आप ए इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली फार्मूला लेना है और फार्मूला में आपको यहां पर जो है वैल्यू रखना है और ए फाइंड आउट करना है। तो आप ये जो वर्क है ना, ये वर्क आप इस तरफ साइड में मत कीजिए, आप ये वर्क रफ पेज पर कीजिए, पेज नंबर 20 रफ पेज जो, उसको यूज कीजिए एज अ रफ पेज। तो देखिए यहां पर टी सेवन, यानी टी एन का फार्मूला लेंगे हम, यहां पर टी एन का हम फार्मूला लेंगे, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। नाउ टी सेवन हमारे पास गिवन है, इसलिए हम लेंगे एन की प्लेस पे सेवन, ए हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एन जो है इसकी वैल्यू हमने सेवन लिया है, माइनस वन इंटू माइनस फोर, इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं। टी सेवन हमारे पास है, गिवन है हमारे पास फोर, तो उसकी प्लेस पे हम फोर लिखेंगे, इज इक्वल टू ए, ये हमको फाइंड आउट करना है, प्लस सेवन माइनस वन सिक्स इंटू माइनस फोर, तो फोर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ट्वेंटी फोर, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, माइनस 24 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 4 यानी 28, तो डी जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आप 24 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और 28 हमारा आंसर आएगा, दैट मीन फर्स्ट टर्म उसका जो है वो 28 है। तो इस तरह हमने देखिए शॉर्ट में आपको ये रफ में करना है, आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हो तो, राइट। चलिए तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू सॉल्व द एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी। तो डी हमको फाइंड आउट करना है। अब आपको डी पता है कब फाइंड आउट होता है, जब ए बी एंड सी ये वैल्यू अगर हमको हमको मिलती है इक्वेशन से। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, तो दोनों इक्वेशन को हम साइड में लिखेंगे। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट, ये रफ वर्क है हमारा। x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड द सेकेंड इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस टू वाई, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा फोर। तो यहां से आप a इज इक्वल टू वन मिलेगा हमको, यानी x का वेरिएबल, x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट वो भी वन है एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू थ्री, ये हो गया हमारे पास। इधर सिमिलरली इसको लेंगे हम ए वन बी वन सी वन, राइट इसको लेंगे जो सेकंड इक्वेशन का है ए टू, तो हमारे पास एक्स का कोफिशियंट थ्री मिलेगा, बी टू यानी वाई का कोफिशियंट होता है, तो वाई का कोफिशियंट माइनस टू है एंड सी टू दैट मीन्स फोर द कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, सी वन सी टू सब आ गया है। अब हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसको आप इस तरह लिखिए, डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू ए वन ए टू एंड देन बी वन बी टू एंड पुट द वैल्यू ए वन, दैट मीन्स ये सिंपली जितना आप रफ में कर सकते हो उतना रफ में इसको सिंपल कर दीजिए। वन ए टू की वैल्यू हमारे पास थ्री और ये हमारे पास बी वन वन माइनस टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए
क्योंकि आपको C1, C2 की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ D डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -2 1 -2, -3 1 3, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आ गया। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। फॉर √2x² -5x + √2 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, दैट मीन्स द डेल्टा। तो वी हैव टू फाइंड द डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अब ये b, a और c ये इक्वेशन से मिलेगा, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, √2x² - 5x - √2 = 0। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा ax² + bx + c = 0। a की प्लेस पे आप देखेंगे तो √2 मिलेगा, दैट मीन्स a = √2 हो जाएगा, b = -5 हो जाएगा और c = -√2 हो जाएगा, राइट। तो वैल्यू रखेंगे, b यानी -5 का स्क्वायर, 4 into a यानी √2 और b यानी प्लस है √2, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, 5 का स्क्वायर जो है 25 होगा, माइनस अगर है तो भी जो निगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, -4, 2 2 4, जब एक रूट को एक रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम देखिए √2 यहां भी, तो ये √4 हो जाएगा और √4 दैट मीन्स √2 = 2, तो हमारे पास 2 आएगा, 25 - 8 दैट मीन्स वी विल गेट 17। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो राइट है, ऑप्शन बी क्या है ये हमारा राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फार्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास है, ये 1/5 है, नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ एस फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो नंबर ऑफ एस इज 1 + 1, नंबर ऑफ एस 5 2 = 10, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 10, तो दैट मींस ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह आप रफ में करके सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर इतना आपको यहां पर आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के b पे चलते हैं, ये भी स्मॉल क्वेश्चन, छोटे इजी क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल अभी क्वेश्चन की अभी इंक्रीज नहीं हुई है, जैसे है वैसे रहेगी। वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड एस एंड नंबर ऑफ एस। तो वन कॉइन दैट मीन्स एच टी, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, वन कॉइन अगर हमने टॉस किया तो सपोज एच आया, वन डाई टॉस किया तो वन आया, H2, H3, H4, H, 5 and then H, 6, ये एक सैंपल स्पेस है। अब H के साथ, हेड के साथ हमने डाइस के जितने भी स्पेसेस थे सबको कवर किया, सिमिलरली हमको T के साथ भी कवर करना है, tel 1, tel 2, tel 3, tel 4, tel 5 and then tel 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया कि यहां पर हमको बोला था वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को उड़ाया गया, फेंका गया, या बोल सकते हो आप लोग। नाउ ये कितने सैंपल स्पेस है, तो आप समझ में आएगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इतना लिखेंगे आप तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कोई भी फाइंड आउट कर सकता है इजीली। आप पहले डिटरमिनेंट को लिख लीजिए, 5 2 देन 3 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 - 3 × 2, तो आपको मिलेगा 20 - 6 दैट मीन्स 14, आपका आंसर आ गया 14, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP,
तो फर्स्ट टर्म हमको पता है, तो पहले एपी लिखेंगे। एपी क्या है हमारे पास, फाइव वन माइनस थ्री एंड माइनस सेवन डैश डैश जो भी है। ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है फाइव, तो आपको यहां पर आपने किया हाफ मार्क्स, आपको यहां पर मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, दैट मींस डी। तो हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन, तो टी टू हमारे पास है वन और टी वन है फाइव, दैट मींस माइनस फोर। तो डी हमको मिल गया माइनस फोर। इस तरह अगर आप लिखते हैं तो आप आंसर लिखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फाइव एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस फोर। तो आपको यहां पर जो आप लिखेंगे यहां तक, ये आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, दैट मींस आपके यहां पर वन मार्क्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इन जर्नल फॉर्म, दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए आप स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले ही रहेगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये सेवन एक्स इसको इस तरफ लाएंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस सेवन एक्स हो जाएगा, फाइव भी इधर ही आ जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास मिलेगा ए इज इक्वल टू, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स वन है, बी का कोफिशियंट एक्स, यहां पर एक्स का कोफिशियंट माइनस सेवन है इसलिए बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, एंड देन सी कॉन्स्टेंट टर्म फाइव है, तो ये हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन के बी में, टू में भी सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू हम यहां पर देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर टू, तो ये क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू के ए में आपको दो एक्टिविटी यहां पर कंप्लीट करना है, थ्री एक्टिविटी रहेंगी, उसमें से आपको टू अटेम्प्ट करना है, राइट। तो पहली एक्टिविटी है, सिंपल एक्टिविटी रहेगी, हार्ड एक्टिविटी रहेगी, फोर एम्प्टी बॉक्सेस रहेंगे, फोर एम्प्टी बॉक्सेस को आपको कंप्लीटली फिल करना है। अगर आपने करेक्ट एम्प्टी बॉक्सेस को फिल किया तो आपको फोर बॉक्सेस के, हाफ एक बॉक्स का है तो फोर बॉक्सेस के आपको टू मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन के लिए इसकी ग्राफ बनाना है। तो आपको इसकी ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ बनाने के लिए ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग बोला है वहां पर टू कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, तो आप ग्राफ ड्रॉ करने बैठते हैं, ग्राफ नहीं बनाना है आपको, आपको सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करना है, एक्टिविटी है ये, याद रखिए, ठीक है। तो 2x, अब x हमारे पास गिवन है माइनस फाइव, तो हम क्या करेंगे इसकी प्लेस पे माइनस फाइव रख देंगे, और ये माइनस सिक्स वाई एज इट इज रहेगा, थ्री भी एज इट इज रहेगा, टू फाइव जो टेन तो माइनस टेन हो जाएगा, माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री। अब माइनस टेन को आप इक्वल टू के उस तरफ उड़ा के ले जाइए तो आपके पास मिलेगा थ्री प्लस टेन, डेट मीन्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थर्टीन, और ये माइनस सिक्स को इधर लाए तो वाई इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन माइनस सिक्स। अब इसको डिवाइड कीजिए, सिक्स टू जो ट्वेल्व, वन कैरी हुआ आपका, वन भी सिक्स से डिवाइड नहीं होता है, जीरो लगाएंगे यहां पर, अच्छा पॉइंट लगाएंगे सिक्स पे, जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, सिक्स टू जो ट्वेल्व बिगर हो जाता है, सिक्स वन जो सिक्स, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपको एक एक नंबर तक फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर आएगा यहां पर माइनस टू पॉइंट वन, माइनस टू पॉइंट वन। तो अब ये दोनों को यहां पर हमको लिखना है, तो माइनस फाइव एंड माइनस टू पॉइंट वन, ये ब्रैकेट में, ये बॉक्स में हमारा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। चलिए सिमिलरली y यहां पर जीरो है और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसी में हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो रफ वर्क था जो मैंने मिटा दिया, अब हमको वही इक्वेशन लेना है, टू एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, एंड वैल्यू पुट करना है y की जीरो जो हमारे पास गिवन है बॉक्स में, तो 2x एज इट इज रहेगा, और जब हम जीरो वैल्यू रखेंगे तो होल टर्म जीरो हो जाएंगे हमारी, तो 2x
जीरो पूरा हो जाएगा इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब टू को इधर लाइए तो एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू वन जा टू, वन कैरी हुआ जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, टू फाइव जा टेन, दैट मीन्स 1.5। तो हमारे पास यहां पर आंसर आएगा 1.5, और यही हम यहां लिखेंगे 1.5, 0, जो हमारे पास ऊपर जो दोनों बॉक्सेस हमने फिल किया उसको डायरेक्ट यहां पर आपको लिखना है x एंड y की वैल्यू। तो ये एक्टिविटी है, ये जो रफ वर्क है ना, ये जितना वर्क है ये आपको रफ में करना है लास्ट पेज पे, ठीक है। पेपर के जहां सॉल्व कर रहे हैं वहां साइड में मत कीजिए, ये थोड़ा गंदा लगता है, पेपर अच्छा नहीं लगता इससे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे हम। अ बॉक्स कंटेन 13 कार्ड, राइट 1 to 30, जिसके ऊपर 1 to 30 लिखा हुआ है। एक बॉक्स में 30 कार्ड है और उसके ऊपर 1 to 30 लिखा हुआ है, तो एस क्या मिलेगा हमको? अब देखिए इतना सा बॉक्स है छोटा, तो आप क्या कीजिए इसको बड़ा कीजिए, पहले एस लिख लीजिए, तो एक्स आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नोट कीजिए आपको पूरे 30 नंबर लिखना है। मैं नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैं यहां पर डैश डैश करके 30 लिख दे रहा हूं। आपको पूरे 30 नंबर लिखना है, तो ये बॉक्स में आपको 1 to 30 पूरे लिखना है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 30 हमारे पास है। इवन नंबर ऑप्टेन इज ऑड नंबर, इवेंट कौन सा इवेंट है? इवेंट ए, यहां लिख लेते हम इवेंट ए। ऑप्टेन नंबर इज ऑड नंबर, अब इसमें से ऑड नंबर निकालेंगे, तो ऑड नंबर आपको पता है कौन कौन सा होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 29, ये हमारे ऑड नंबर है। तो स्टूडेंट ये बॉक्स में आपको 29 पूरे लिखना है, तो आप ये गिनिए कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट मीन्स हमने जो लिखे वो राइट है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15 मिला। अब यहां पर आपको लिखना है फार्मूला, तो यहां फार्मूले में क्या आएगा, आप नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इस तरह इसको फिल कीजिए, और नंबर ऑफ ए 15 है और नंबर ऑफ एस हमारे पास है 30, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी दो दो जो बॉक्सेस है आपको वो छोटे छोटे उसको बड़ा कीजिए और पूरे 30 लिख लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर उसको बॉक्स बनाइए। सिमिलरली इवेंट ए लिखते वक्त भी आप पूरे इवेंट लिख लीजिए, उसके अंदर जो डिजिट्स है, और उसके बाद बॉक्स बनाइए, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ दिस 75 नंबर, 1 + 3 + 5 + --149। ए गिवन है हमारे पास, ए गिवन है हमारे पास, डी गिवन है, और 75 नंबर ऑफ एट टर्म्स, ठीक है। अब सिर्फ ये फॉर्मूला भी दिया है हमारे पास, हमको सिर्फ यहां पर जो है ये खाली बॉक्सेस को फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, n 75, n की वैल्यू है 75, तो ये यहां रख देंगे हम 75, ठीक है। अब n 75/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है 75 -1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो यहां पर हम 2 लिख देंगे, ये हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं, तो एस 75 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 1 2 प्लस 75 -1 इंटू 2, इसको ऐसे ही लिखता हूं, तो ये 75/2 ऐसे ही लिखेंगे हम, 75/2 इसको एज इट इज रहने दीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो 2 + 74 × 2 75/2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 2 + 74 × 2 = 148, इसको लिख देंगे, 148 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 150, और 150 से अगर 2 से हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 = 14, 1 carry 2 5 = 15, दैट मीन्स हमारे पास आया 75 × 75। यहां तक सॉल्व करना है और ये बॉक्स में हमको लिखना है 75 × 75, और 75 को 75 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 5625, ठीक है। ये इजी है मल्टीप्लाई करना, तो 5625 ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है,
3 गिवन रहेंगे, ये एक्टिविटी आपको रफ में सॉल्व करना है, सिर्फ बॉक्सेस आपको फिल करना है, क्योंकि बॉक्स फिल करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, ए था, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखकर सॉल्व एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। पहला सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखते हैं हम 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, एंड देन ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करने का मेथड है कि एक जो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल जो है उसको हमको यहां से एलिमिनेट करना है, तो मैं 5b जो b है वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करूंगा, तो उसका कोएफिशिएंट देखूंगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। अब दोनों की साइन भी सेम है, इसकी भी प्लस है इसकी भी प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 लिख रहा हूं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जब हम इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के जो इक्वेशन की साइन है वो चेंज हो जाती है, तो ये अब प्लस कोई काम करनी है इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 3a माइनस a दैट मींस 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22, तो 4 आएगा हमारे पास, तो a इज इक्वल टू वी विल गेट 4/2, दैट मींस a इज इक्वल टू 2। सिंपल है। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, तो मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, किसी में पुट कर सकते हो, तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, a की वैल्यू है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो 5b इज इक्वल टू 22 और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मींस वी विल गेट 5b इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 4 20, दैट मींस b इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास a और b दोनों वैल्यू आ गई, तो हम डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख सकते हैं 2, 4। क्या लिख सकते हैं? 2, 4। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर देन 1 रहा, एक से बड़ा रहा, तो आप इसको और सी के जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझको मिलता है 3 माइनस 10, दैट मीन्स 30, और 30 के मुझको फैक्टर निकालना है, तो 6 फाइव 30, मिडल टर्म जो मिडल टर्म है उसमें माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे, जब प्लस माइनस माइनस होगा और हमको जो मिडल टर्म है वो हमको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, ये जो है इसको हमने स्प्लिट किया, मिडल टर्म को स्प्लिट करके ये दोनों में हमने कन्वर्ट किया, तो अब यहां से हमको क्या करना है, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां वेरिएबल कुछ x का वेरिएबल यहां पर x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, ठीक है, तो ये 6 माइनस 5 दैट मींस 1 होता है, तो आप इसको यहां दो पेयर कीजिए, ये एक पेयर और ये एक पेयर, दो जोड़ी बनाओ, यहां से कॉमन देखेंगे तो 3 है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 भी आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, और x भी कॉमन है तो निकाल लिए, यहां से 3x कॉमन निकला तो x अंदर रहेगा माइनस, यहां से 3 कॉमन निकला तो 3 2 6 तो अंदर 2 बचेगा, प्लस यहां से भी 5 कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 2, दैट मीन 5 2 10 होता है इसलिए x माइनस 2। अब दोनों जो ब्रैकेट है इसको भी यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा x माइनस 2 एक, और जो हमारे पास टर्म्स बची है वो 3x है और 5 है, तो हम उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है x माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल है और
3x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल जीरो के इक्वल है। क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस टू को आप इधर ले जाए तो प्लस टू हो जाएगा, और 3x इज इक्वल प्लस फाइव ये जब उधर जाएगा इज इक्वल टू के प्लस पे उधर जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन थ्री एंड x इज इक्वल टू टू, तो हमारा जो आंसर आया 2, -5/3। इस तरह आप ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टू मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 27th टर्म ऑफ एन एपी। तो 27th टर्म, एपी का 27th टर्म, तो दैट मींस फार्मूला लिखना हमको पहले, तो फार्मूले से पहले जो एपी है उसमें हमारे पास है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 9 और कॉमन डिफरेंस दैट मींस t2 - t1 दैट मींस 4 - 9 यू विल गेट -5, ठीक है, ओके। नाउ tn इज इक्वल टू, थोड़ा बिगर बड़ा लिखता हूं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d t27, क्योंकि 27th टर्म बोला है तो n इज इक्वल टू 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू a हमारे पास 9 प्लस n 27 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है हमारे पास -5। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, t27 एज इट इज, 9 एज इट इज, 27 माइनस 1 दैट मीन 26 इंटू -5, तो t27 इज इक्वल टू 9 एज इट इज रखिए, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 0, 5 2 10 और 3 13 दैट मीन्स -130। क्यों, क्योंकि 26 5 130 होता है, ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस है तो माइनस हम लगाएंगे यहां पर, t27 इज इक्वल टू, अब 130 में से अगर आप 9 निकालते हैं, 130 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो -121, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -121, यानी t27 जो है वो -121 है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। एक डाई को रोल किया गया है, तो डाई के लिए आपको सैंपल स्पेस मालूम होना चाहिए, डाई में 6 फेसेस होते हैं, हर एक पे a1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हो गया सैंपल स्पेस और हम लिखेंगे नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 6। नाउ द इवेंट क्या है हमारे पास, नंबर अपेयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3, अब इससे 3 से लेस देन कौन सा, 1 और 2 है, तो इवेंट हो जाएगा a 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 2। नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ ए उल्टा लिखा हुआ मैंने, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2/6 दैट मीन्स 1/3। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट को लिख देता हूं मैं यहां पर, लाइन सीधी बनाता हूं, m -5 2 एंड 7। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 31, तो पहले डिटरमिनेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7m, 7 को m से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 5 से करूंगा, तो -2 5 10, राइट। चलिए अब ये जो इसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 31 है, तो इसकी प्लेस पे लिखेंगे हम 31 इज इक्वल टू 7m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, तो हमारे पास आएगा 31, ये +10 को आप इस तरफ ले जाइए तो ये जाएगा -10 इज इक्वल टू 7m, 31 - 10 दैट मीन्स 21 इज इक्वल टू 7m एंड यू विल गेट m इज इक्वल टू 3। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो आपको मिलेगा 3, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो 3 आ गई हमारे पास। स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एक्टिविटी था। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3
नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वेट कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।